ने प्रदेश में इस साल धान खरीदी की एक महीने की तारीख बढ़ा दी है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धान उपसार्जन केंद्र में धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। इसी कार्यक्रम के तहत जिला भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग केंद्रों पर कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया व राज्य सरकार के नियम पर सवाल उठाते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। धान उपसार्जन केंद्र बिरकोना में सांसद संतोष पांडे ने किसानों से कहा, कांग्रेस की वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश को छलने का झूठ बोलकर सत्ता हथियाने का धोखा देने का कार्य किया है। इधर अपने घोषणा पत्र में किसानों को यह कह दिया कि कर्जा माफ होगा 10 दिन में। आज भी कई पीड़ित किसान सरकार की तरफ देख रहे हैं, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। वहीं पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी ने कहा कि भूपेश सरकार सिर्फ कर्जा लेने का काम कर रही है। जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने रूसे धान खरीदी केंद्र धरना प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस किसान के साथ जनता को भी धोखा दे रही है। इधर किसानों का आड़ लेकर साल भर से पूरे प्रदेश में विकास कार्य बंद करा रखे हैं। उधर किसानों को अब 2500 ना देकर 1850 रुपए देने की बात करने लगे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता किसान के साथ है, अन्याय नहीं होने देंगे। ये बोले कांग्रेस ने घोषणा पत्र, तो हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोबाइल में 36 घोषणा हम हमेशा याद रखना है। हम सब जनता ये 36 घोषणा में से एक भी घोषणा पूरा नहीं कर पाते और ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, सरकार गांव विरोधी सरकार है। एक भी पैसा के काम सरवा गरबा गुरबा बारी के अलावा इधर पास कोई काम नहीं है सरकार के पास, और एक वजह से सब विरोध कर रहे हैं। हर JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।